हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज बनाने जा रहे हैं मसाले छोले। दो घंटे पहले से छोले को भिगा के रख लेना है। आप देख सकते हैं हमने छोले को अच्छे से भिगा लिया है। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर दो गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद छोले डाल देंगे। छोले डालने के बाद एक चुटकी नमक डाल देंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पर ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे छोले अच्छी तरीके से हो चुके हैं। छोले को साइड में रख देंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर एक छोटी कटोरी तेल डाल देंगे। कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। प्याज को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिलाने के बाद कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। मिर्ची को भी अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। उसे हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। टमाटर को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, पिसा हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला, सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सबको अच्छे से मिला लिया है। सबको अच्छे से मिलाने के बाद एक छोटी कटोरी पानी डाल देंगे। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट लो फ्लेम पे भून देंगे मसाले को। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं और मसाला अच्छी तरीके से हो चुका है। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। एक बार छोले डाल देंगे। छोले डालने के बाद मसाले को अच्छे से मिला लेंगे छोले के अंदर। छोले को अच्छे से मिलाने के बाद ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद छोले को अच्छे से मिला लेंगे। छोले को अच्छे से मिलाने के बाद 5 मिनट लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे छोले अच्छी तरीके से बनके तैयार हो चुके हैं। छोले को अच्छे से मिला लेंगे। छोले को अच्छे से मिलाने के बाद एक प्लेट में खाली कर लेंगे और आप देख सकते हैं हमारे छोले बनके तैयार हो चुके। खाने में एकदम टेस्टी बने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।